जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनियों, लाडलो लाडलियो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कमांडो के लिए। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली आप सभी को बता दूं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर एज है वो इस बार कब से काउंट होगी, क्योंकि आप सभी को पता है 24 नवंबर को ये नोटिफिकेशन आने वाली है SSGD की 2023 की। 24 नवंबर से नोटिफिकेशन आने वाली है और ये क्लियर है, लेकिन एज कब से काउंट होगी आपको कईयों को डाउट होगा। आप बोलते हो 1 नवंबर से काउंट होगी सर, या 24 नवंबर से काउंट होगी, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 1 जनवरी से काउंट होगी। क्योंकि अगर इन तीनों में ही डिफरेंट रखते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि भर्ती से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, पिछली बार क्या हुआ था वो एक बार आप देख लो। पिछली बार क्या हुआ था, जब नोटिफिकेशन आई थी वो आई थी अक्टूबर में, लेकिन एज कब से काउंट हुई वो देखो आप यहां पर। एज लिमिट 18 से 23, फिर बाद में एज को बढ़ाया गया था, लेकिन एज ऑन 1/1/2023, यानी पिछली बार जो आई कब से थी अक्टूबर में आ गई थी, लेकिन एज काउंट हुई थी 1 जनवरी, यानी आगे की डेट, यानी 2 महीने आगे, यानी अक्टूबर में आई थी, नवंबर और दिसंबर और जनवरी, यानी 1 जनवरी से पिछली बार एज काउंट की गई। नवंबर में नहीं काउंट करके 1 जनवरी से काउंट की गई कि 1 जनवरी तक जिसकी 18 साल हो रही है वो बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। क्यों ऐसा इसलिए गया गया, क्योंकि पिछली बार एज में 3 साल का छूट दी गई थी। आप सभी को पता है 3 साल की एज में छूट दी गई थी, और इससे पहले भर्ती नहीं आई थी तो जो नए बच्चे थे उनको मौका नहीं देके पुराने वाले बच्चों को ज्यादा मौका देने की कोशिश की गई थी। क्योंकि मान के चलो कि जब अक्टूबर में आई और अक्टूबर के महीने में ही अगर एज काउंट होती तो जिन बच्चों की अक्टूबर में 18 साल हो जाती तो वो सारे पार्टिसिपेट कर लेते। लेकिन गवर्नमेंट ने पिछली बार कोशिश ये की थी SSC ने कि ज्यादातर मौका किसको दिया जाए, ज्यादातर मौका दिया जाए जो पुराने वाले विद्यार्थी है उनको। ये पिछले नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा होगा नहीं, इस बार ऐसा होने के चांसेस कम है, और इस बार आपके ज्यादा चांस है कि 24 नवंबर से आपकी एज काउंट होगी, कि 24 नवंबर तक आपकी क्या हो जाए, या तो 24 से हो सकती है या फिर 1 नवंबर से हो सकती है, इसके चांस जरूर है। लेकिन अगर आप पूछोगे कि सर 1 नवंबर से ज्यादा चांस बनते हैं 24 नवंबर से, तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि पिछली नोटिफिकेशन को छोड़कर बाकी हमेशा ऐसा हुआ है, जब भी SSC की नोटिफिकेशन आई है उसी से काउंट होती। अब पिछली बार एक समस्या और थी, समस्या क्या थी आप सभी को पता होगा, नोटिफिकेशन कब आने वाली थी, नोटिफिकेशन आने वाली थी दिसंबर में, लेकिन आई कब अक्टूबर में, यह भी एक समस्या थी। यानी नोटिफिकेशन 2 महीने पहले आ गई थी, 2 माह पहले आ गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार नोटिफिकेशन जो डेट दी गई है कि 24 नवंबर को आएगी, तो 24 नवंबर को ही नोटिफिकेशन आएगी लाडलू, ठीक है, 24 नवंबर को। तो काफी चांस है कि 24 से एज काउंट हो। अब एज में छूट कितनी मिलेगी वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पूरा क्लियर होगा, लेकिन हाँ कुछ छूट तो पक्का मिलेगी। अब कितनी मिलेगी, किस हिसाब से मिलेगी, अगर छूट बड़ी मिली तो हो सकता है कि इस बार भी आगे की डेट कर दे, 1/1/2024 भी कर दे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, 1/1/24 भी कर सकते हैं अगर छूट दी। अगर छूट नहीं दी तो 24 नवंबर होगी, डिपेंड करेगा छूट पर। अगर छूट नहीं दी तो 24 नवंबर से काउंट होगी, छूट देगी तो आगे जा सकती है डेट, और आगे से भी काउंट हो सकती है। साथ ही बता दो लाडलो अकेडमी में SSGD के गारंटी बैच शुरू हो गए, जो भी बच्चे आने चाहते हैं वो दिल्ली पुलिस दीपावली के बाद में 15 नवंबर से आ सकते हैं। 15 नवंबर से एडमिशन शुरू होंगे जो कि 24 नवंबर तक होंगे, उसके बाद में गारंटी बैच के एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, फिर केवल 3 मंथ वाला बैच ही जारी रहेगा, 3 मंथ और 6 मंथ। तो अगर जो बच्चे गारंटी बेच में आना चाहते हैं वो दीपावली के जस्ट बाद में आ सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत लाडलो।